सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया, इससे महिला की मौत हो गई। वहीं जंगल में अपनी टेरिटरी छोड़कर आबादी की ओर से आया ये बाघ T64 बताया जा रहा है। घटना के बाद पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए और एक आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खासा हंगामा किया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। रणथंभौर में बाघ ने महिला को बनाया शिकार, पालड़ी गांव में घात लगाए बैठे बाघ ने किया हमला, खेत पर शौच के लिए जा रही थी महिला, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। 13 साल में 11 लोगों की जान ले चुके हैं बाघ। ये है सवाई माधोपुर के रणथंभौर रिजर्व पार्क से सटा कुंडेरा क्षेत्र का पालड़ी गांव, जहां एक खेत में पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने रमेश योगी की पत्नी गुड्डी देवी पर हमला कर दिया। वो सुबह खेत में शौच के लिए जा रही थी, तभी बाघ के हमले का शिकार हो गई। घटना से गांव में माहौल गर्मा गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और सवाईमाधोपुर से वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग रखी। काफी जद्दोजहद के बाद जिला प्रशासन 4 लाख रुपए की राशि बतौर मुआवजा देने को तैयार हुआ, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। जग्गू से टाइगर का आके पकड़ ली, टाइगर ने पकड़ो खेत में ले जा, खागियो नाल अलग कर दी, पाँव अलग कर दी, हाथ अलग कर दी। हमारी मांग एक तो है नौकरी की और एक है 20 लाख की। टाइगर एक लेडीज को 5 बजे आ गया था, वो इधर शौच करने आई थी, पास ही में यहाँ पे गेहूँ है उनके। अब क्या मांग है आप लोगों की? अब हमारी मांग ये है कि 2 लड़के हैं उनके, दोनों को नौकरी मिले और कुछ मुआवजा मिले। परिजनों की और ग्रामवासियों की मांग है कि 20 लाख रुपए मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। मानवीय दखल और दिनों दिन छोटी पड़ रही टेरिटरी का ही नतीजा है कि बाघ जंगल को छोड़ आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। रणथंभौर में ये पहली घटना नहीं है, यहाँ पिछले 13 साल में बाघ के हमलों में 11 लोगों की जान जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक 15 फरवरी 2005 को बाघ के हमले में मेईकला निवासी शंकर जाट की मौत हुई थी। इसी तरह 21 फरवरी 2010 को कुंडेरा वन क्षेत्र के नाहरखोरा में बाघ ने शामपुरा निवासी बद्री कुमार को अपना शिकार बनाया। 3 जुलाई 2010 को फायरिंग बट क्षेत्र में खिंडनी के घमंडी सैनी और 15 अगस्त 2010 को इंडाला वन क्षेत्र में गोपालपुरा निवासी हेमराज गुर्जर की बाघ के हमले में मौत हो चुकी है। 16 फरवरी 2012 में बसई खुर्द वन क्षेत्र में मोरपाली मीणा और 9 मार्च 2012 को अंसारी मोहल्ला निवासी अशफाक को बाघ ने शिकार बना लिया था। इसी तरह 25 अक्टूबर 2013 को वनकर्मी घीसू सिंह को सोनकच्छ काला पीला पानी के पास और 8 मई 2015 को वनरक्षक रामपाल सैनी को अटल सागर के पास बाघ के हमलों में जान गंवानी पड़ी। 12 जनवरी 18 को पादरा में खेत पर काम करते समय मुकेश गुर्जर और 27 दिसंबर 18 को राजबाग इलाके में लकड़ी लेने गई महिला नरौती महावर की बाघ हमले में मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो 13 साल में 11 मौतें हो चुकी हैं, प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, लगातार इस प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं।